नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ विजय जैन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यू आइडिया। आज मैं अपने वीडियो में बात करूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हम क्यों करें, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आना तो बहुत आसान है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फ्री होता है किसी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। कंपनी के प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स और उसका प्लान भी बहुत अच्छा होता है, तो हम इजीली आ तो जाते हैं, मगर हम काम कैसे आगे बढ़ाएं। क्योंकि ये चीज मेरे साथ भी हुई है कि काम जैसे ज्वाइन तो कर लिया, मगर जब हम किसी व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं तो या तो वो ज्वाइन हो जाता है या बहुत से जने ज्वाइन नहीं होते हैं। तो ये आपके साथ भी यही सेम प्रॉब्लम आ रही होगी कि आपने खुद ने तो बिजनेस ज्वाइन कर लिया, मगर अब आप जब भी प्लान दिखाने जाते हैं तो सामने वाला व्यक्ति ज्वाइन नहीं होता है, या ज्वाइन हो जाता है तो वो आगे काम नहीं करता। तो ऐसा क्यों है, तो इसके बारे में हम जानेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करें क्यों। अगर ये चीज आपकी क्लियर है तो ही आप किसी व्यक्ति को आप आगे ज्वाइन करवा सकोगे या करवा पाओगे, और वो सामने वाला व्यक्ति भी अपना काम खुद शुरू कर सकता है। तो सबसे बड़ी इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बात आती है कि वाय। जब तक कि आपका वाय क्लियर नहीं है तो न तो आप खुद इस बिजनेस में कुछ अपना टारगेट अचीव कर पाओगे, न ही सामने वाला व्यक्ति जिसको आपने ज्वाइन किया है उसको आप काम करवा पाओगे। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपने इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया, क्योंकि बिजनेस में आना बहुत ही सिंपल है मगर काम करना बहुत मुश्किल, क्योंकि आपके वाई क्लियर नहीं है, आपका ड्रीम क्लियर नहीं है। क्योंकि जब तक आपको यह नहीं पता कि मैं इस बिजनेस में क्यों आया, काम तो हमारा चल ही रहा है, आप जिस भी लाइन में हैं, बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, प्रोफेशन कोई भी हो आपका, वो काम तो आप कर ही रहे हो, एक्स्ट्रा काम आप क्यों करोगे। क्योंकि आपने जब शुरू करा था, जब आप छोटे थे, जब आप पढ़ाई कर रहे थे या 18 इयर्स की एज कंप्लीट की थी, तो आपने सोचा होगा कि मैं ये बिजनेस मैं करूंगा या कुछ भी करूंगा तो ये मेरा सपना है, मैं इसको इस तरह से पूरा कर पाऊंगा। तो वो बहुत से जनों का लगभग 80-90% लोग नहीं अचीव कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने काम में या अपने किसी चीज में बिजी हो जाते हैं और वो चीज वो भूल जाते हैं। तो वो भूल जाते हैं तो उसको आपको जगाना है और अपना खुद का जगाना है। किस तरह जगा पाओगे, ये आपको है कि विजन देखना है कि इस बिजनेस में मैं आया हूं तो मैं क्या अचीव कर पाता हूं। तो ये ड्रीम आपको बिल्ड करना है, मैं इस बिजनेस में क्यों आया ये मुझे अपने आप को बताना है, बार बार बोलना है। और यही चीज आपको सामने जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं या किसी को प्लान शो करते हैं तो सबसे पहले आप उन्हें बताएं कि ये बिजनेस आप करना चाहते हैं मगर क्यों करना चाहते हैं, वाय उनका क्लियर करें, उसके बाद उस सामने वाले व्यक्ति को आप ज्वाइन कराएं। और दूसरी बात, आप अपना खुद का वाय क्लियर करें कि आप क्यों बिजनेस कर रहे हैं। आज ही अपना एक चार्ट बनाएं, एक ड्रीम बनाएं कि आपका ड्रीम क्या है, क्यों आप इस बिजनेस में आए हो, आप क्या अचीव करना चाहते हो अपनी जिंदगी में। वो क्लियर हो जाएगा तो आपको आप पता लग जाएगा कि हाँ, मैं इस बिजनेस में इस वजह से आया हूं, या मेरा ये टारगेट है, ये मेरा ड्रीम है, ये मैं अचीव करना चाहता हूं जो मैं आज तक अचीव नहीं कर पाया हूं। इसी तरह प्रोस्पेक्टिंग को भी, प्रोस्पेक्ट को भी आप ये बताएं, उनको भी बताएं कि ये चीज में आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो इस बिजनेस को। ये बिजनेस जरूर पूरे कर सकता है आपके ख्वाब, आपको सिर्फ मेहनत करनी है, पैसा बहुत कम लगता है, बस सबसे बड़े ये है कि आप किस तरह से उसको अचीव करते हैं, कितना आप में वो पावर है उसको अचीव करने का। तो मेरा वीडियो इतना ही था कि आप वाय के ऊपर अपना फोकस करें, क्योंकि वाय ही सबसे बड़ा है, ड्रीम सबसे बड़ा है इस बिजनेस को करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोस्पेक्ट के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी पता लगे कि हम इस बिजनेस में क्यों आए हैं। और मेरे चैनल न्यू आइडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।